नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूँ और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। तो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुआ है तो आप मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप जो भी यूज़ करते हैं, जो भी सोशल मीडिया साइट आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं। इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, ये आईडी है, और जब आप सर्च करोगे तो इसी नाम से आएगा, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है देखो, दिल्ली पुलिस मैथमेटिक्स 7910 को अगर 81 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास 25, 23, 21 और 16, तो इनमें से क्या बचेगा, तो आप इसको तोड़ सकते हैं कैसे, 691 गुना में 10 बटे 81 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आपके लिए आसान क्या हो जाएगा कि 691 तक पहुंचना आसान है। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हम फिर से रिमाइंडर निकाल लेंगे। 691 के पास पहुंचने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 64, 400, 640 हो गया और 8, 648 हो गया, तो यहाँ कितना बचा, तो 648 अगर 691 में से घटाते हो तो 43 यानी 43 बचेगा, 43 गुना में 10 है ना, तो 430 होगा। 430 को फिर से डिवाइड कर दो किससे, 81 से, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40 और 5, 405 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 405 आया तो रिमाइंडर कितना बचा, 405 तक तो पूरा पूरा भाग होगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 25 बच जाएगा। ठीक है, आप भाग करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7910 अगर किसी के पास टाइम है तो इतना कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे तोड़ करके आराम से कर सकते हैं। आंसर आपका 25 ही आएगा, और जो भी आपका सॉल्यूशन है इनकी स्लाइड आपको मिल जाएगी, कहाँ पर ये मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, स्लाइड आपको सब मिल जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, 30% छूट पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1050 है, यदि छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एट 30% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1050, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट इज 15%। अगर 30% की जगह 15% डिस्काउंट होता तो कितने रुपए में चीज को बेचा जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, कोई आपके पास मान लो कि 100 रुपए की चीज, ठीक है, कोई 100 रुपए की चीज, अब आपको ये कहा जाए कि 30% के डिस्काउंट पे बेचना है, तो आप कितने में बेचोगे, 70 में बेचोगे ना, 100 पर 30 का डिस्काउंट, मतलब 30 रुपए का डिस्काउंट 70। लेकिन फिर ये कहा गया कि अब इसको 30% के डिस्काउंट पे नहीं बेचना, अब सिर्फ 15% के डिस्काउंट पे बेचना, तो कितने में बेचोगे, तो आप कहोगे 15 रुपए घटा के बेचेंगे जी 85 में। तो अब करना क्या है, पहले आपके पास 70 की वैल्यू है, कितनी, 1050। ठीक है, 70 की वैल्यू आपके पास है, कितनी, 1050, यानी जब 30% के डिस्काउंट पे बेच रहे थे तो 1050 में बेच रहे थे, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 85 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 1050 बटे में 70, 85 की वैल्यू निकालनी है तो गुना में 85 कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, किस पे काटो, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 15 105 होता है, और 85 और 15 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 850 प्लस में 425, 1275। ठीक है, कैसे किया, तो पहले 10 से करेंगे तो 850 हो जाएगा ना, और 5 से और करके जोड़ना है तो 425। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन आपको अच्छी रखनी होगी ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखा ना बच्चे, फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि चतुर्थ अनुपाति क्या होगा। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होगा, दो दिए हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो दिए हुए हैं कितना दिया है, 336 दिया है, 288 दिया है, 161 दिया है, तो फोर्थ को मान लो एक्स,
ठीक है, निकालोगे कैसे? तो 336 बटे में 288 बराबर 161 बटे में एक्स जो कट रहा है काट दो, ये भी 3 पे कटता है, ये भी 3 पे कटता है, काट दो, 112 आ जाएगा। और ये 9 3 27 होता है, 6 3 18 होता है, ठीक है। अब ये कट रहा है तो ये कट रहा है 7 पर, 7 पे काट दो, 7 1 7, 7 6 42, 7 2 14, 7 3 21, 16 पे, 16 6 96, 23 गुना में 6 कर दो, एक्स इधर जाएगा, एक्स बराबर 23 गुना 6 आ गया। 23 को 6 से करते हो तो 138 आता है, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर क्या करना है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 9 और 90 के बीच में संख्याओं का औसत क्या होगा जो 8 से भाज्य है? 8 से भाग होने वाली संख्याएं जो 9 और 90 के बीच में है उनका औसत बताना है। तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए कि संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है, पहली चीज, ठीक है, और दूसरी कि उनका सम क्या होगा। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, उनका सम करते हैं, सभी संख्याओं का जोड़ बटे में क्या करते हैं जितनी संख्याएं, यही करते हैं ना। अगर ये दोनों चीजें आपको पता हो तो आप क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, यानी आपको एक एस एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 इंटू में ए प्लस एल, ए और एल क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। एन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, ठीक है। डी है कॉमन डिफरेंस, सारा अंतर, ए एन लास्ट टर्म है और ए फर्स्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो 9 के बाद में वो कौन सी संख्या है जो 8 से पूरा पूरा भाग होती है, तो 9 के बाद तो 16 आती है, और 90 से पहले कौन सी संख्या है जो 8 से पूरा पूरा भाग होती है, तो वो 88 होती है। तो ये हो गया आपका एल, ये हो गया आपका ए, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। अब आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो क्या है, ए एन यानी लास्ट टर्म 88 माइनस ए 16 अपॉन डी, डी कितना है, तो डी तो आपको पता ही है कि सारा अंतर कितना होगा, 8 होगा, प्लस 1, ये कितना हुआ, 72 हुआ ना, 72 बटे में 8, ऊपर वाला आ गया 9, 8 9 72 होता है, 9 प्लस 1 करोगे कितनी होगी, तो टर्म आ गई आपकी टोटल 10, 10 आ गई तो आपको सम भी पता होगा कितना होगा, तो 10 आपके पास n की वैल्यू है, 10 बटे में 2 इंटू 16 प्लस 88, ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है, ये कितना हुआ 104, यानी आपके पास सम कितना आ गया, 5 गुना में 104। अभी काटने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है अभी बता रहा, और संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं आपके पास आई 10, औसत निकालना है ना, तो काट दो 2 पर, तो ये 52, तो आंसर कितना आया 52, बी आंसर होगा आपका, ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। चीजें अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो भी कमेंट करके मुझे बता देना, अच्छे उसका भी सॉल्यूशन हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आपको आए आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है बच्चों का, वो उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, आप वहां से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 7 n 4 11 से विभाजित हो तो n का मान क्या होगा? इफ 2 7 n 4 इज डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो भाई 11 से विभाज्य का अगर रूल आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर देख सकते हैं, सारे चैप्टर करवाए हुए हैं बच्चे, मैं दोबारा भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस इस वजह से ही कि आपका क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो सुधर जाए, ठीक है। तो 11 किससे डिविजिबिलिटी हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर को देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये थर्ड पे, दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 7 और 4 11 हो गए, ये सेकंड और ये फोर्थ पे है, तो ये हो गया n+2, ठीक है। या तो इन दोनों का डिफरेंस 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका और इसका, दोनों को जोड़ा है ना हमने,
इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस या तो 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 11 या 11 का मल्टीपल तो नहीं हो सकता, तो 0 करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 2 तो है ही, ये 11 है, तो 0 करने के लिए इसको पूरा 11 होना पड़ेगा ना। 11 होने के लिए एन क्या होना चाहिए, तो एन नो होना चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, 11 - n - 2 बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 - n = 0, n - -n = -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20% तथा 35% की छूट, दो कर्मिक छूट के बाद एक वस्तु को 50,700 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या, अंकित मूल्य आपको बताना है। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 50,700, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमने मान लिया एक्स है, क्या मार्क प्राइस जो है वो हमने मान लिया एक्स है, अंकित मूल्य एक्स मान लिया। तो इस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहली छूट कितनी, 20%। अगर 20% की छूट दे दी, 100 पर अगर 20 की छूट होती है तो 80 बचता है ना, यानी हमारे पास अब मूल्य कितना बचा, 80% बचेगा। 80% का मतलब 80/100, इस अंकित मूल्य का 80% बचा, लेकिन फिर भी बोला कि एक छूट और दो। कर्मिक छूट का मतलब यही है, सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट पर डिस्काउंट। ठीक है, तो अब 35% की छूट देनी है, तो अब कितना बचेगा, तो 35% की छूट देने के बाद में 65% बचेगा इस पूरे का। तो ये हमारे पास बचा है, लेकिन हमें कितना दिया हुआ है बचा हुआ, कि ये बचा है 50,700। ठीक है, तो अब जो कट रहा है वो काट देंगे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 13 पर, ये 13 39 बच गया, 11, 13 * 117 2 0, 4 पे काटोगे, 9 * 36 75, 6 * 300 तो 3639 होगा। तो उस साइड ले जाओ इसको, कितना हो जाएगा, 97,500 हो जाएगा। ये सो साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, सी ऑप्शन 97,500। तो ये आपको आंसर करना है। तो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आपको समझना है तरीका कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन हो रहा है मुझे। ठीक है, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है, ये क्वेश्चन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप इसको, इसका तरीका आपको नहीं पता, तो नहीं तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 कलम अधिक खरीद सकता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है ये आपको बताना है। इफ द प्राइस ऑफ एन पेन डिक्रीज बाय 20%, देन ए मैन कैन बाय 10 मोर पेन फॉर 100 रुपीज, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द पेन, ईच पेन का बताना है। ठीक है, आप 100 रुपये लेकर के मार्केट में गए, आपको पेन खरीदने थे, दुकानदार ने बोला कि भाई पेन की कीमत में 20% की कमी आ गई है। ठीक है, 20% कम हो गया, और आपने बोला कि ठीक है 20% कम हो गया, लेकिन मेरे को 100 रुपये के पेन ही खरीदने हैं, आप जितने पेन और आते हैं वो दे दो। तो उस 20% की वजह से आपने देखा कि आपको 10 पेन और मिल रहे हैं, किसकी वजह से, 100 रुपये में 100 ही लेके गए ना आप रुपए, 100 रुपये में उसके 20%, 100 रुपये का 20% निकाल लो कितना आएगा, तो 20/100 कर दो। तो इसकी वजह से कितने पेन और मिले, 10, यानी 10 पेन जो थे, 10 पेन जो थे उनकी कीमत थी 100 रुपये का 20%, जो आपका कीमत कम हुई हो, तो कितना, 20, यानी 20 रुपये में आपको 10 पेन मिल रहे हैं। आप नई कीमत तो यही है ना, 20 रुपये में 10 पेन, तो एक पेन कितने रुपए में, 20/10 2 रुपए, तो नई कीमत क्या है, 2 रुपए। और वैसे भी आप देखोगे तो आपको पता है कि 2 रुपए के हिसाब से 100 रुपये में 50 पेन आएंगे। ठीक है, तो पहले वाली कीमत कितनी होनी चाहिए, तो अब 2 रुपए है, किसकी वैल्यू है ये, 80 की है, तो 100 की कितनी होगी वो आपको निकालना है, तो 2.5, तो पहले 2.5 रुपए में आते होंगे एक पेन, तो 100 रुपए में कितने आते होंगे, 40, पहले 40 आते थे अब 50 आते हैं, तो 10 बढ़ गए ना, तो यही आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती करने पर 1428 शेष बच जाता। ठीक है, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी ये आपको बताना है। तो सेम क्वेश्चन जो पीछे हमने किया है उसी तरह का क्वेश्चन है, आप देखो कैसे करना है। 60% की कटौती करनी है, हमने मान लिया कि जो शुरुआत में संख्या थी, वही पूछा ना प्रारंभिक संख्या क्या थी, हमने मान लिया वो एक्स थी। ठीक है, एक्स पर 60% की कटौती कर दी, अब बचा कितना, हमें बची हुई दी है ना, इसीलिए हम बचा हुआ ही ले रहे हैं। यहाँ पर 60% की कटौती यानी 40% बचा। ठीक है, उसके बाद में उसी पर फिर कितने परसेंट की कटौती, 15% की कटौती, तो अब कितना बचेगा, 85% बचेगा, 85/100। लास्ट में बचा कितना, एक्चुअल वैल्यू कितनी बची, 1428 बचे। बोलिए, अब जो कट रहा है काट दो, ये 2 पर कटेगा, ये 5 पर कटेगा, ये 17 5 85 होता है। ठीक है, 17 8 136 होता है, 6 बचेगा, 17 4 68 होता है। ठीक है, ये किस पर कटेगा, 2 पर काटोगे तो 42 2 84 होता है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी, ऑप्शन आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बस आपको काटना कैसे है और बचा बची हुई दी है तो बचा हुआ लेना है। अगर आपको देता कि छूट इतने हो गई, इतने रुपए छूट हो गई, इतनी इतनी छूट देने पर, तो हम क्या करते, 60% और 15% ले लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो चीजें दी हैं उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो मैथ भी आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इससे भागने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है कि जो मैथ से भागते हैं उनको भागने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है इसे। ठीक है, तो समझो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट नॉट लीस्ट, 17.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका व्यास। ठीक है, एक ठोस गोला है जिसका व्यास दिया हुआ है, दो बराबर भागों में उसको काट दिया जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो गोला कुछ ऐसे रहा होगा भी पहले, ठीक है, काटने के बाद, तो काटने के बाद 2 हिस्से हो गए होंगे कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो है और ये वाला, इनमें डिफरेंस क्या है, ये वाला एरिया तो सेम ही रहा होगा। ठीक है, ये वाला एरिया तो सेम ही रहा होगा, बड़ा कौन सा, तो ये वाला एरिया। तो ये कितना होगा, तो ये ऊपर का एक सर्कल, ये वाला भी एक सर्कल, तो 2 सर्कल बड़े। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और 2 बड़े हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास आर क्या है, तो व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, आपको रेडियस नहीं दी है, 17.5, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 22/7 × 17.5/2 × 17.5/2। ठीक है, जो कट रहा है वो काट दो, तो इससे काट दो, 2 से 2 कट गया, ये 11 × 22, और ये पॉइंट हटा करके नीचे इन दोनों पॉइंट का क्या लगा देते हैं। ठीक है, 7 पे काटोगे, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, 25 और 11 की गुना कितनी हो जाएगी, 275 हो जाएगी, और गुना में कितना है, 175। अब आपको इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आपने डिजिटल सम वाली क्लास देखी है तो आप आसानी से कर लोगे। क्यों, क्योंकि सभी ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है। डिजिटल सम वाली क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, ज्यादा नहीं है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ से डिजिटल सम करेंगे, 2 और 7 9, 9 और 7 14, 14 का कितना हुआ, 5 हो गया, 4 और 1 5 हो जाएगा ना। डिजिट आपको जोड़ने हैं, एक बार जोड़ दिए, डबल डिजिट में आ रहा है तो फिर से जोड़ दो, 4 और 1 5 कर दिया, 5 और 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 का फिर से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, 5 और 20, 20 का डिजिटल सम 2, 2 आ गया ना। अब डिजिटल सम ऑप्शन में जिसका 2 होगा वही आपका आंसर होगा, तो इसका कितना आ रहा है, 10 और 9 19, 19 का फिर से 10, 10 का फिर से 1, तो ये आंसर नहीं होगा। ये क्या है, 3 6 9 और 1 10 5 15, 15 का 6 होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये कितना है, तो ये आया आपका 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 का 2 होता है, तो यही आपका आंसर होगा। और ये 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22,
का चार होता है तो यह 500 नहीं होगा, तो 500 होगा 481.25। ये बड़ा हुआ आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। तो जिनको भी क्लास अच्छी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, और इनका स्क्रीनशॉट जितने भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ओके बाय, टेक केयर, लव यू।